हर राज्य की मांग के अनुसार उपलब्ध कराई ट्रेनें, हर राज्य की ट्रेन की मांग को किया जा रहा है पूरा। 80% ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चलाई गई। जरूरत न हो तो श्रमिक यात्रा न करें। रेलवे राज्यों के साथ मिलकर कर रहा खाने पीने का इंतजाम। राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से हो रहा काम। इतने बड़े ऑपरेशन में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आई। रेलवे बोर्ड का कहना है कि सिर्फ 20 मई से 24 मई के बीच कुछ ट्रेनें हुई डायवर्ट। सिर्फ 71 ट्रेनें हुई डायवर्ट कुल ट्रेनों का, जो कि 2% से भी कम है। रेलवे के 12 लाख कर्मचारी दिन रात कर रहे हैं काम, यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज को अंजाम देने के लिए लगातार रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं। सिर्फ 4 ट्रेनों ने 72 घंटों से ज्यादा लिया समय। 3,500 से ज्यादा ट्रेनें औसत रफ्तार से तेज गति से चली हैं। रोगी, गर्भवती महिलाएं, 10 साल के छोटे बच्चे, बुजुर्ग जरूरी होने पर ही करें यात्रा, ये भी रेलवे बोर्ड ने कहा है। ट्रेन भटकने की खबर पूरी तरह से गलत है। रेलवे बोर्ड ने इसे पूरी तरह से खारिज करा। यात्री की मृत्यु की खबर दुखद, लेकिन गलत आधार पर न करें रिपोर्टिंग। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का 85% खर्चा केंद्र वहन कर रहा है। श्रमिकों को नहीं देने होते हैं कोई रेल किराया। रेल में डॉक्टर्स का भी किया गया है इंतजाम। पैसेंजर जा चुके हैं, और अगर पिछले एक हफ्ते का अगर आप एवरेज देखें तो 1524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और करीब 20 लाख पैसेंजर एक हफ्ते में गए हैं। तो पिछला जो एक हफ्ता था उसमें हमने करीब 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब से प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों को उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि रेलवे ओरिजिनेटिंग स्टेट की जो भी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रोवाइड कर रही हैं, और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट की डिमांड्स हैं वो कम होने लगी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कल 137 ट्रेनें चली हैं और परसों 172, जबकि भारतीय रेल ने इस दौरान एक दिन 279 ट्रेनें चलाई हैं। पिछले हफ्ते का जो हमारा एवरेज रहा है करीब 250 ट्रेनों का रहा है। तो पिछले 2 दिनों से ये संख्या घट रही है। 24 मई को हमने सारी राज्य सरकारों से बात करके एक उनकी जो रिक्वायरमेंट उस समय थी वो ली थी हमने, वो रिक्वायरमेंट करीब 923 ट्रेनों की थी। कल हमने फिर राज्य सरकारों से बात करके और सबसे रिक्वायरमेंट ली, और वो रिक्वायरमेंट आज केवल 449 की रिक्वायरमेंट दी है। हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप जब भी अपनी रिक्वायरमेंट देंगे उनके डिमांड के हिसाब से रेलवे तुरंत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। और हमने उनको ये भी कहा है कि इस समय जो भी आपने एक टेंटेटिव रिक्वायरमेंट दिया है उस रिक्वायरमेंट के अलावा भी अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमें तुरंत बताएं और हम उस एडिशनल रिक्वायरमेंट को भी कैटर करेंगे। जो 20 से 24 मई का जो फेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से जैसे जैसे डिमांड आती थी रेलवे ने पूरी कोशिश करी कि उस डिमांड को हम तुरंत मीट करें। अगर हम किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज हमको रिक्वायरमेंट दी, हमारी पूरी कोशिश होती थी कि कल उसके लिए हम ट्रेन चला पाएं। जो ये 20 से 24 का जो बैंड देख रहे हैं इसी बैंड में एक दिन 279 ट्रेन चली और बाकी 3 दिन भी 250 से ज्यादा ट्रेन चली। एक दिन 265 चली, एक दिन 270 चली, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो ट्रेनें गई उसमें 90% ट्रेनें, जो ये इस 20 से 24 का जो पीरियड है 90% ट्रेनें ये यूपी और बिहार को गई। तो ये जो 4 दिन का पीरियड ऐसा आया जिसमें कि जो यूपी और बिहार के जो नेटवर्क थे वो कंजेस्ट हो गए। सो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूं कि 3,840 ट्रेनें, उसमें से केवल 71 ट्रेन, 1.8% ट्रेन, वो भी खाली 4 दिन के लिए हमने डाइवर्ट करी। और इसलिए करी कि उस दिन हम अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको हम मीट विथ करना चाहते थे, और उस मीट विथ रिक्वायरमेंट मीट विथ करने के लिए हमको ज्यादा ट्रेनें चलानी पड़ी, रूट नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया और
उसको जो एक हम लोगों का स्ट्रेटजी होती है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उससे की सो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो डाइवर्ट की गई ट्रेनें बहुत ही कम की गई, 1.8% ऑफ 3840। आपको एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, काफी मैंने रिपोर्ट देखी, तकलीफ होती है, हमें तकलीफ इसलिए होती है कि जो हमारे 12 लाख रेलवे के श्रमिक भाई बहन हैं उनके मनोबल पे कहीं असर पड़ता है। कहा गया कि 9 दिन में कोई ट्रेन गई, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 3 दिन से ज्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है, 72 घंटे से ज्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है, और वो ट्रेनें मणिपुर जिरीबाम अगरतला की तरफ जा रही थी। 4 ट्रेनें छोड़ दीजिए 3840 में से, तो 3836 ट्रेनें 4 दिन से कम, 72 घंटे से कम में गई हैं। वो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी एडवाइजरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम की भी एडवाइजरी है कि जिन लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो अगर यात्रा से बचें तो अच्छा रहेगा। ये आप सबसे अनुरोध है, मुझे सबसे अनुरोध है कि प्लीज इस कोरोना के समय में ऐसी रिपोर्टिंग ना करें जिसका कोई बेस ना हो। मैं तो यही कहूंगा कि फेक न्यूज है। फेक न्यूज इसलिए है, किसी ने कहा कि 9 दिन में सिवान ट्रेन पहुंची, वो ट्रेन 2 दिन से पहले पहुंच गई है। मेरे पास ट्रेन का नंबर और टाइमिंग है, आप में से जो लेना चाहे उसको ले लें। आप इस तरह से न्यूज, फेक न्यूज देना बहुत ही गलत बात है। फिर किसी ने कहा कि वो ट्रेन भटक गई, रास्ता भटक गई, ऐसे थोड़ी ना ट्रेन रास्ता भटक जाती है। आपको मैंने बोला कि 71 ट्रेन हैं जो 20 से 24 के बीच में थी, 3840 ट्रेनें अपने नियत रूट पे गई हैं। जो 71 ट्रेन 20 से 24 के बीच में, जो 1.8% है, उनको हमने रूट्स डाइवर्ट किए, और रूट्स डाइवर्ट किए जो बिहार की ट्रेनें थी उनको हमने झारसीगुड़ा रूट से भेजा। झारसीगुड़ा रूट से जो जाती है ट्रेन वो वहीं से जाती है। यूपी की ट्रेनें ज्यादा हो गई थी, जो नेबरिंग स्टेट थे, आपको पता है अगर आप यूपी बिहार की ज्योग्राफी समझते हैं तो गोरखपुर को छपरा के थ्रू भी हम अप्रोच कर सकते हैं। कुछ ट्रेनें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोरखपुर की सबसे ज्यादा ट्रेनें थी, तो कुछ गोरखपुर की ट्रेनों को हमने छपरा होते हुए भेजा, झारसीगुड़ा से होके। ये सब एक टेक्निकल काम है जिसको कि हमारे कंट्रोलर्स ने बैठ के, और जो एक उस समय स्थिति थी उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को डाइवर्ट करा। और जो मैंने आपको बताया, फिर से मैं दोहराता हूं कि 9 दिन तो छोड़ दीजिए, केवल 4 ट्रेनें 4 दिन से ज्यादा टाइम लगा है, जिसमें कि वो ट्रेन लैंडस्लाइड का 12 घंटे का इशू था, वो ट्रेन मडगांव से लेके वहां तक जा रही थी। बाकी सारी ट्रेनें, जो मैंने कहा कि 90% ट्रेनें अपने मेल एक्सप्रेस के जो एवरेज टाइम है, वो सब डेटा हमारे पास है, उससे गई हैं, और केवल 10% टाइम में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का डिले हुआ। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज है कि कोई ट्रेन भटक गई, कोई ट्रेन उधर चली गई, 9 घंटे सिवान पहुंचने में लग गया। ये सब प्लीज हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस तरह के न्यूज ना दें, क्योंकि इस तरह के इक्के दुक्के न्यूज को लेके जो बात कही जा रही है वो ठीक नहीं है। और जो हमारे